Hayes and Harlington. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा दोस्तों, हम जा रहे हैं रीडिंग, तो ट्रेन में बैठे हुए हैं इस टाइम। ट्रेन आ गई थी टाइम पे, तो ट्रेन में बैठ गए हैं। अब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या निज़ाम है, क्या सीन है। तो हमाद मेरे साथ बैठा हुआ है, हमूद भाई। हमाद भाई, कैसा एक्सपीरियंस है आपका ट्रेन में बैठने के बाद? खैर ये तो जाते रहते हैं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, चार्जिंग पोर्ट भी दी हुई है और टेबल भी लगे हैं, खाने पीने के लिए देख सकते हैं। खाना पीना हमारे पास पैसे नहीं है, वरना खाना पीना वो रात का टाइम है, तो उन्होंने कहा कि खाना पीना जो है आपको सुबह मिलेगा। तो उन्हें रिफंड के लिए कह दिए कि भाई रिफंड दो हमें। खैर ये हो तो हो गया मजाक। तो खैर हीटर लगे हमें, हीटर भी लगे हैं और चार्जिंग बोर्ड भी है, और चिल सीन है, मतलब रात का टाइम है। तो वहाँ पे जाते हैं रेडिंग, वहाँ पे जाके देखते हैं कितनी ठंड है, क्या सीन है, क्या नहीं है। इसी तरह ही हम पूरा यूके घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह यूके घूमते हैं, किस तरह यहाँ पे सफ़र करते हैं। मतलब सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र, वो वाला सफ़र नहीं, यहाँ वो जो सफ़र करते हैं यार। क्यों, क्या कहना चाहोगे? इंग्लिश वाला सफ़र, या इंग्लिश वाला सफ़र होता है इंग्लिश बोल के। भाई तुम भी बोल लो यार। और जो दूसरा वाला है ना, अरे भाई जी, ये मेरा शेरा बैठा हुआ है, इसका नाम मैंने आइंदा से शेरा डाल दी। ये हमेशा मेरे साथ ही टाइम होता है यार, अपनी शक्ल तो मनोज चेहरा, ओ खूबसूरत चेहरा दिखाओ यार, ऑडियंस खूबसूरत चेहरा, ऑडियंस के कमेंट आ रहे हैं भाई कि अपना शेरा दिखाओ, हमाद भाई दिखाओ। भाई बहुत कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। ये देखो इतना प्यारा खूबसूरत, बस इसकी थोड़ी कटिंग होने वाली है, वो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा किसी दिन को फ्री होके ना, अपने भाई की कटिंग करवाऊंगा। तो डोनेशन करनी है आपने सारों ने, शेरा की कटिंग करवाएंगे सारे मिलके, होप्स हो के अच्छी कटिंग। जो ब्लॉग देख रहे हैं ना, ये रुपीस वाले हैं, इनके पाउंड पाउंड में बेचते बेचते आधे हो जाएंगे यार। देने वाले होने चाहिए लोग, मोहब्बत करने वाले होने चाहिए लोग, कोई मसला प्यार देने वाले ना, प्यार देने वाले। एक रुपए भेजे, दो रुपए भेजे, डजंट मैटर, लेकिन इसकी कटिंग होनी चाहिए, इतने पैसे कर दो बस। खैर ये क्या कह रही है, कुछ नहीं कह रही भाई। यार सुन दो यार, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है यार, क्यों नहीं तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अच्छा, कह रहे हैं ये जो ब्लॉगिंग अलाउ नहीं है ट्रेन में। अच्छा वो कह रही है जी कि बुए बंद होने लगे हैं, तो पैर अपने अंदर कर लो या लत्ता अपनी बाहर कर लो। खैर चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सीन है। ओके गाइस, मैं और हमाद आ गए हैं रेडिंग स्टॉप पे, रेडिंग स्टेशन है ये, एयरपोर्ट है ये समझ नहीं आ रही, ये तो लाहौर का एयरपोर्ट जितना स्टेशन है, देख सकते हैं आप। भाई बड़ा है उससे, हाँ उससे भी बड़ा है, मतलब इतना इतना बड़ा तो स्टेशन है, ये ऐसे लग रहा है जैसे लाहौर एयरपोर्ट कुछ भी नहीं है इसके साथ। प्याज की आवाज भी सुना दे, ये ट्रेन है मेरे ख्याल नेटवर्क रेल, ये पता नहीं क्या सीन है। चलो देखते हैं, ठंड भी बहुत लग रही है गाइस। क्या लग रही है ठंड? भाई मेरे तो हाथ कांप रहे हैं ठंड में भी। भाई को ब्लॉग का जुनून चढ़ा हुआ है, हाथ निकाल के ब्लॉग बना रहे हैं, क्या करें, फिर पांच मिनट बाद एक हो गई मेरे हाथ के। अच्छा अच्छा चलो चलो जी, ये बातें करता मैं फोन अंदर रख लेता हूँ, फोन पकड़ ले भाई, चेक करो रुको। लोगों को लंदन दिखाएंगे हम, लंदन में क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन लंदन, हाउ टू लिव इन लंदन एंड हाउ टू स्पेंड योर टाइम इन लंदन ब्रो। 50 मिनट की वॉक करो लंदन में, बस ले लेते हैं जाके, बस ले लेते हैं, नहीं ये टैक्सी पे जाते हैं, टैक्सी कहते हैं भाई, हम चला लेते हैं, तू पीछे बैठ जा, पैसे हम दे देंगे, चलते हैं। 50 मिनट की वॉक है और हमने पैदल जाना है, बिल्कुल पैदल, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कि गाइस
डोनेशन करें, पाकिस्तान की टिकट लेके दें मुझे, मैंने वापस जाना है पाकिस्तान, इधर नहीं रहा जा रहा भाई, बहुत ठंडा है। खैर तो आजकल तो सुना है कि मतलब पाकिस्तान में भी काफ़ी ठंडी पड़ी है, पाकिस्तान में भी कहते हैं कि 0 डिग्री वन लाइक रात के ये टाइम इतना देखिए हो जाता है। सारे सारे क्लबिंग करके आ रहे, हाँ वो देखें गाइस, ये यहाँ पे ठंड ठंड लगा हुआ है, वहां पे तो निकरों में फिर रहे। भाई हमारे पास निकर हो, हम निकर को डबल करके पहन ले। चलते हैं आगे, आगे जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं रेडिंग, अब यहाँ पे रात हमने यहीं गुजारनी है। तो ये है जगह, एक देसी होटल है, तो ये बंद है, तो मतलब देसी होटल में नीचे बैठने की जगह होती है, जो देसी पाकिस्तान में आपने काफ़ी देखे होंगे, तो वैसे ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे मतलब ये बंद है, तो यहाँ पे हम आज जो है इनके जाने वाले ही हैं, तो उसका है, तो यहाँ पे मतलब उन्होंने दिया हुआ है कि आप यहाँ रह सकते हो। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैठने की जगह है इस तरह, ये बाकी होटल है। तो यहाँ पे एक मैट्रेस है, ये सराने, और ये रजाइयाँ भी है, और एक और रजाई पड़ी, तो यहाँ पे हीटर भी लगा है, और निज़ाम इजी है। ठंड भी है काफ़ी, तो लेकिन इधर ठीक है, हीटर लगा हुआ है, तो सही सुकून है यहाँ पे। यहाँ पे तकरीबन रात को -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था, इतनी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो अभी भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो सुबह अभी रात यहीं स्पेंड करेंगे और सुबह निकलेंगे, सुबह देखेंगे यहाँ रेडिंग में क्या माहौल है, किस तरह के लोग हैं, और आपको मार्केट दिखाएंगे। यहाँ पे हाई स्ट्रीट मार्केट, हाई स्ट्रीट सेंट्रल है, रेडिंग सेंट्रल बेसिकली उसको शायद कहते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे सारा सीन। हेलो,
देख सकते हैं आप, ये है जी रीडिंग, रीडिंग शहर आ गई 5 मिनट की वॉक पे। यूनिवर्सिटी है, रीडिंग यूनिवर्सिटी है गैस। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे पास उसके जॉब प्लेस वाली जगह पे। खैर मैं पीछे हाई स्ट्रीट गया हुआ था, आपने हाई स्ट्रीट देखी होगी, कितनी बड़ी हाई स्ट्रीट है, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। मतलब वो भी एक सेंट्रल रीडिंग है, उसको भी एक सेंट्रल कहा जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वगैरह हैं, तो ठंड भी काफ़ी है और यहाँ पे माहौल साफ सुथरा, गोरे हैं यहाँ पे, पूरा गोरा कम्युनिटी रहती है। शॉप जो है ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी है, लेकिन बाकी सारी गोरा कम्युनिटी है यहाँ पे। कोई मैंने कहीं कहीं पे पाकिस्तानी देखा होगा चलता फिरता, वरना सारे गोरे हैं या फॉरेन ज़्यादा है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह नहीं है काफ़ी ज़्यादा। तो ये बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, आ गए यूनिवर्सिटी रीडिंग। ये है जी रेडिंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रेडिंग यूनिवर्सिटी। ओ काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी है, वो देसी नहीं है इधर कोई, सारे अच्छे अच्छे मतलब गोरे गोरे स्टूडेंट्स हैं। दोबारा जाना, दोबारा जा, हो गया बार बार नहीं आ रही जा, तो सही हमारे क्या कर रहे हो, नान लगा रहा है हमारे, ये देखो खाना बना के दे रहा। अच्छा क्या बात है जी, यार यार मदरा करके लगाओ, क्या? मदरा करके लगाओ, कंडे बारीक करके लाओ ना। दोस्तों इस तरह हमने रेडिंग एंजॉय की है, साथ में जो डिग्री की है, सही मज़ा है, जगह अच्छी खूबसूरत है, लोग अच्छे हैं, मतलब लंदन जैसा नहीं, लंदन से अलग है, पूरे हैं। तो इस तरह मतलब माहौल भी साफ़ सुथरा, जगह भी अच्छी है, खुली जगह है, ठीक है, कोई इतना रशी एरिया नहीं, क्राउडेड एरिया नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, खूबसूरत है। अभी हम वापस जा रहे हैं लंदन, ट्रेन पर बैठा हूँ मैं, रात के 1:30 बज गया मेरे ख्याल, रात के 1:30 बज मैं वापस यहाँ से लंदन जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे अगले व्लॉग में। ऐसे ही खुशी रहिए, आबाद रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।